बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम अज असो बो लेक्चर आको पो लेक्चर हो केमिस्ट्री के बारे में हो केमिस्ट्री है बेसिक इंट्रोडक्शन हो अज असो बो लेक्चर है जैमें आने पढ़ी ब्रांचिस ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री जो केतर शाखू आज केमिस्ट्री एक वसी फील्ड आ पर उनके मेन ब्रांचिस नाइन आज कड़ी कड़ी सब को पेरियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी नामियाती केमिस्ट्री सिंधी में अस इनके चवे तो नामियाती केमिस्ट्री है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असेंगे बुधाई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में यानी अस इनके सिंपल डेफिनेशंस में पढ़ासी स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोकार्बन हुंदा छाइन हाइड्रोकार्बन हुंदा हैं यानी इको लव्स हाइड्रो आहे ड्यू कार्बन आहे हाइड्रो जो मतलब छा हुंदो हाइड्रोजन एटम कार्बन ताके खबर आ त कार्बन इकडो पाण एलिमेंट आ हाइड्रोकार्बन जो मतलब एडा कंपाउंड्स जेमे एसेंशियल एलिमेंट्स कार्बन आई हाइड्रोजन हुजे हाने कार्बन हाइड्रोजन सा गदो गद ब्या भी एलिमेंट्स लाइक सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर अस उनके डेरिवेट्स पढ़ा पर उनमें मेन हों एसेंशियल कार्बन हाइड्रोजन उनका बड़ी बेसिक होजन जिनमें कार्बन हाइड्रोजन न हों अस उनके नथा ची सकूँ तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन के बारे में बुधाई है नंबर बो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री असांगे छाजे बारे में बुधाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री असांखे मिनरल्स के बारे में बुधाई मैदनियात के बारे में बुधाई यानी अस आम तौर पर चवना एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन हाइड्रोजन को अलावा वा जो भी कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाँ अस इनऑर्गेनिक जो एग्जांपल वठंदासीं त केड़ा केड़ा कंपाउंड्स थी सकंदा आहिनि जंहिंमें सल्फ्यूरिक एसिड आहे S2SO4 हिन जो तव्हांखे मां इस्तेमाल ॿुधाईंदो हलां सल्फ्यूरिक एसिड खे असां किथे इस्तेमालु कंदा आहियूं सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज में इस्तेमालु थींदो आहे छा कंदो आहे उहो कैरियर हूंदो आहे जेको चार्जिस खे खणी हलंदो आहे ऐं हुन खां पोइ ॿिया हिन जा केतिरा ई एग्जांपल थी था वञनि सल्फ्यूरिक एसिड थी वियो फॉस्फोरिक एसिड थी वियो ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मिसाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो नेचुरली शेन सा वास्तो रखे थी पई जे मीथेन थी भई मीथेन वहा गैस होंदी आ जे की असा पजे घरू रंद बचा जे लाए इस्तेमाल करना हूं आई बी एनर्जी एलपीजी हुनियान एलपीजी जो मतलब होंदो आहे लिक्विड पेट्रोलियम गैस सीएनजी भी उनको ही किस्म हों को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सिलेंडर जो असेंगे आम तौर पर लाइन वसीले मिली मेन उनमें होंगी मीथेन उन भी कंपाउंड्स हूँ लाइक इथेन भी अची वो इन पेट्रोल पेट्रोल पान के खबर है पेट्रोल अस रोजाने की यूज हों वहीकल्स में इस्तेमाल क्या पेट्रोल के इंडस्ट्रीज में भी पेट्रोल जो इस्तेमाल तमाम घो हों डीजल ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री असेंगे बारे में बुधाई यानी फिजिकल लॉज के बारे में बुधाई तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन जी थे पी उनमें फिजिकल लॉ ही मिसाल तौर अस पढ़ी लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास यानी माय जी बका वारो कायदो हले जी बस पई आ त मायो न पैदा थी सके तो आई नई वरी फना थी सके तो मन कोई भी केमिकल रिएक्शन थे त उन दौरान न मायो पैदा थी सकंदो आ आई नई वरी फना थी सकंदो आ जे मिसाल तौर कई भी अड़ी शे आ असा लाइक जैसे अस कोई पन्नो साड़ी तो वो सड़ी वी उन एश मिली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज थी वो हाँ जी एश या कार्बन डाइऑक्साइड ये एलिमेंट्स एक बे में तब्दील थन था पर उ कदें फना या खत्म ना थी
माना हिन में भी लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास में भी पहिरियो लॉ दिन ला यू लॉ चवे तो त कहीं भी केमिकल रिएक्शन के दौरान न मायो पैदा थी सकंदो आ न फना थी सकंदो आ एडा लॉस फिजिकल केमिस्ट्री में इंदा है आई वो पूरो जो को फर्स्ट ईयर किताब सिंटैक्स बुक बोर्ड जो आ यो फिजिकल जो हुंदो आ पूरो फर्स्ट ईयर जो आई उन का पय असा पढदा से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री असांगे छा बुधाईंदी आ छा जे बारे में बुधाईंदी आ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बुधाईंदी इंडस्ट्रियल मटेरियल जे बारे में मतलब जेकी शय कारखाने में ठहे पई थी कैल्शियम लाइक सीमेंट थी हो यूरिया थी हो ये जेके शय लाइक ग्लास थी हो ये जेके शय कारखाने में ठहन थी असा उनके चलेसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री थी मां ते एग्जांपल भी लिखा दू जे ग्लास थी हो शीशे जो ग्लास जेको सिलिकॉन ऑक्साइड मां ठायो विंदो आ ये सीड यानी बारी मां ठायो विंदो आ आ हन का को सीमेंट आ है सीमेंट की भी कंपोजिशन हुंदी आ ते यो असा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ना से नंबर 5 पॉलीमेरिक केमिस्ट्री पॉलीमेरिक केमिस्ट्री असा के बुदाई दी पॉलीमराइजेशन के बारे में पॉलीमराइजेशन जो मतलब छा हुंदो पॉली लव्स जो को वर्ड आहे वो बिन लवचन में वर्तल आहे पॉली एंड मिराइजेशन इते पॉली की माना चाहनी पॉली मींस मेनी आई मिराइजेशंस जो मतलब हुंदो यूनिट्स यानी इन दी डेफिनेशन थी दी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म लार्जर कंपाउंड्स यानी नन्ना नन्ना मॉलिक्यूल्स मिली करे उए ठाईंदा आहिनि उए वडे मॉलिक्यूल्स के ठाईंदा आहिनि त हिन प्रोसेस खे असां कंदासीं पॉलीमराइजेशन वारो प्रोसेस उन खां पोइ हाणे हिन जो एग्जांपल कहिड़ो थींदो पॉलीमराइजेशन जो जेके प्लास्टिक बैग्स आहिनि जेके छापू असां इस्तेमालु कयूं पिया इहे पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में ईंदियूं आहिनि उन खां पोइ नंबर 6 है बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री पाण पढ़ना भी आहियूं बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री असांखे छा ॿुधाईंदी आहे जेको असांजो मेटाबॉलिज़म सिस्टम हूंदो आहे बायोकेमिस्ट्री असांखे ॿुधाईंदी त जेकी असां शइ खाऊं पिया था मानी खाधीसीं खीर पीतोसीं हाणे उन जो इन रोल जेको आहे असांजी बॉडी में कहिड़ो थींदो बायोकेमिस्ट्री जो जीअं मिसाल तौरु असांखे ख़बर आहे त जेको मिल्क हूंदो आहे उनमें प्रोटीन्स मौजूदु हूंदियूं आहिनि पोइ जॾहिं असां यूस कंदा आहियूं त उनमें छा थींदो आहे त उहा शइ टुटी करे असांखे प्रोटीन जी सूरत में ईंदी आहे ऐं असांजी बॉडी जेकी नीड्स जेकी ज़रूरत हूंदियूं आहिनि उहो उनमां पूरियूं थींदियूं आहिनि यानी बायोकेमिस्ट्री में असांजो मेटाबॉलिज़म सिस्टम पूरो खाधे वारो सिस्टम जेको असांजो जेको मेटाबॉलिज़म सिस्टम आहे उनजे बारे में ॿुधाईंदी आहे हुन खां पोइ नंबर 7 न्यूक्लियर केमिस्ट्री तव्हां वर्ड न्यूक्लियर जे बारे में तव्हांखे ख़बर हूंदी त न्यूक्लियर जो मतिलबु छा हूंदो आहे न्यूक्लियर जो मतलब हुंदो आहे जेके कंपाउंड्स हूंदा आहिनि ऑटोमेटिकली रेडिएशंस के कार्ज कंदा आहिनि रेडिएशंस कार्ज थियण खां पोइ जीअं जंग में बि इस्तेमालु थींदा आहिनि लाइक यूरेनियम यूरेनियम हिकिड़ो अहिड़ो एलिमेंट हूंदो आहे जेको शॉन खे कंटिन्यूसली कार्ज कंदो आहे कार्ज करण सां हुन जा नेगेटिव इफेक्ट्स बि तमामु घणा थींदा आहिनि न्यूक्लियर केमिस्ट्री छा हूंदी आहे त जेको बि एलिमेंट आहे उहो उनजो न्यूक्लियस टुटे थो न्यूक्लियस टुटण सां जेके शयूं ॿाहिरि ख़ारिज थींदियूं उहे रेज जी सूरत में ख़ारिज थियनि पियूं त उनखे असां पढ़ंदासीं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जीअं कंहिं बि बम जो ब्लास्ट थियणु उन सां गॾो गॾु रेडिएशन जा जेके ख़ारिज थियनि पिया था उहो हूंदो आहे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में उन खां पोइ एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल ये त भई हिकिड़ी वॾी केमिस्ट्री हूंदी आहे हीअ असांखे छाजे बारे में ॿुधाईंदी सैम्पलिंग जी एनालिसिस जे बारे में एनालिसिस जो मतिलबु छा हूंदो आहे चकास करणु एनालिसिस कीअं कंदा आहियूं मिसाल तौरु असां पंहिंजी ब्लड जी टेस्ट कराईंदासीं त उन में कहिड़ियूं शयूं प्रेज़ेंट आहिनि उहे मिसाल तौरु असां चवंदा आहियूं आरबीसीज़ आहिनि डब्ल्यूबीसीज़ आहिनि जेके उनमें शयूं प्रेज़ेंट आहिनि उहो असां एनालिसिस कयूं पिया हाणे जेकी असां एनालिसिस कंदा आहियूं उहा ॿिनि क़िस्मनि जी कंदा आहियूं हिकिड़ी हूंदी आहे क्वालिटेटिव
आई बी होती है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो मतलब शब्द हो जब मैं ऐसा सिर्फ क्वालिटी मालूम करना सी आई क्वांटिटेटिव जो मतलब शब्द हुआ तो क्वांटिटी मींस अमाउंट यानी ऐसा हम में चंदा से कहना में अमाउंट कहते हुआ आई क्वालिटी आई क्वालिटी जो क्वालिटेटिव आई क्वांटिटेटिव जो सबूल कहो थी दो मिसाल तौर मां ता के चव तो वाटर कणंदा वाटर जी एनालिसिस क्यों था पानी जी असा क्वालिटेटिव की तना से क्वांटिटेटिव की तना से क्वालिटेटिव कदा से त उन में केड़ा एलिमेंट्स प्रेजेंट आ है मिसाल तौर वाटर में बाय एलिमेंट्स आ है जेने बो हाइड्रोजन जा एक ऑक्सीजन जो एटम प्रेजेंट आ है या थी गई ओनली क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब छा हुंदो क्वांटिटेटिव जो मतलब हुंदो आ है त जी हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन ता है पर ये केतरे अमाउंट में प्रेजेंट आ है एंड जी केतरी परसेंटेज आ है केतरी कंसंट्रेशन आ है यानी असा कंसंट्रेशन जो जिकर लफ्ज इस्तेमाल कयो वो असा जो क्वांटिटेटिव में हुंदो हाइड्रोजन 83% आ है मिसाल तौर वाटर में असा दिसो ऑक्सीजन 88% हुंदी आ 88.88% हुंदी आ आई जेकी हाइड्रोजन हुंदी आ वो आंदी आ 11.11% तैया शादी हुई असन की क्वांटिटेटिव मतलब इना जो जको अमाउंट आ है वो केत्रो आ वो क्वांटिटेटिव भी हुंदो आ। अगर जे कने असा जस्ट एलिमेंटन जी आइडेंटिफिकेशन कयो पा त वो हुंदो आ है क्वालिटेटिव एनालिसिस में आणि उन तो पे इन एनालिटिकल जो इस्तेमाल दा तमाम वसी हुंदो आ मिसाल तो रखी आ काई भी रिसर्च करना हो असा पहिरो एनालिसिस करना हो इन वक्त जे के भी रिसर्च सेंटर आ इन वे भी एनालिसिस जे बारे में हुना है त ये क्वालिटी एनालिटिकल केमिस्ट्री में असा एनालिसिस के इस्तेमाल करना है। उन का को नंबर 9 आ है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सावनी असा के बुदाईंदी एनवायरमेंट जे बारे में माहौल जे बारे में माहौल जे किया थाने माहौल ते जे के शयो रहन पयो केडी वा है इंसान थी वया जानवर थी वया उन का पोए उन सिज जो का है रेडिएशंस जो ह्यूमन लाइफ ते इफेक्ट आ है जानवरन ते इफेक्ट आ है न धरती ते इफेक्ट आ है वो जे को इफेक्ट पड़ो के वो असा एनवायरमेंटल में पड़ो के हाने एनवायरमेंट में भला केडी शयो मैं स्टडी करे सको ता एनवायरमेंट में असा माहौल जे बारे में पढ़ी सको ता त माहौल किया माहौल में हर वक्त गर्मी छो पई थे माहौल में केही शे प्रेजेंट आ है जेके हार्मफुल रेडिएशंस के रोके थी हुआ हुंदी आ है ओजोन यानी ऑक्सीजन जा ट्रे मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन नाइन ही अक्सर करे जमीन का एटलीस्ट 20 किलोमीटर नु फासले ते मौजूद हुंदा है दाना ये भी गैसेस जो लेयर हुंदो आ तकरीबन 20 किलोमीटर नु फासले ते जेको छाकंदो जेके इन धरती ते रहंदड़ इंसान होजन जानवर होजन उन ते जेके उन जा डायरेक्ट इफेक्ट्स आहिन केड़ा आहिन मिसाल तौर गर्मी घणी पई थे वा अगर उहे ओजोन लेयर्स में तमाम स्मॉल होल्स थी वेंदा आहिन होल थियण जे करे त गर्मी जो जेको मिक़दार हूंदो आहे उहो हिन धरती ते तमामु घणो थी वेंदो आहे। अॼु बि एनवायरमेंट प्रॉब्लम हले पियो ॿिया केतिरा ई एनवायरमेंट ग्रीन हाउस गैसेस जो इफेक्ट हूंदो आहे अजकल जो प्रॉब्लम हले पो वो गर्मी जो घणो हले पो जद गर्मी घनी थी वे थी रीजन उनका केतरा ही रीजन्स जिनमें वॉल्यूशंस हाँ वो इन करे गर्मी घनी थी पे थी तो ओजोन में स्मॉल होल्स क्रिएट थी पाया उ स्मॉल होल्स जैसे क्रिएट थी पाया तो उन सिज जी रोशनी जो किरण आज उ डायरेक्ट इन धरती से किरण था किरण के ह्यूमन लाइफ से तमाम घो इफेक्ट कर हाँ जी होल्स शूं कन पड़ी शन उ हथरादू शन लाइक सी एफ सी एस चौं सी एफ सी एस क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स जैसे अस चाहे क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स कितों निकरंदा ये जी फ्रिज होंदा या जो वेहिकल में निकरंदड़ कार्बन डाइऑक्साइड यानी धूं ये कार्बन डाइऑक्साइड में जो निकरंदड़ धूं हों यो वो नुकसान पहुंचाई ओजोन्स के भी जो अस टॉपिक कंप्लीट कर अगर तुम एजाज हुजन नॉलेज है कमेंट्स क्वेश्चन्स कमेंट्स कद कमेंट्स की सूरत में क्वेश्चन टाइप कद इनशाला कोशिश कदा रिजॉल्व करण की
अगर तुम्हारे कोई सजेशंस आए तो सजेशंस भी ऐड करे सको था कमेंट में असन जो YouTube चैनल भी लाइक कयो है उन सा गरो गद जेको FB यानी Facebook जो पेज जेको आ उनते भी ता लाइक करे उनते भी ता कमेंट लिखी करे केड़ा भी क्वेश्चन हो जन तुम पूछ सको था।